हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि मैं आज रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ ट्रिगर इंसान के ऊपर, जिसने एक सीरियल पर वीडियो बनाया है। चलिए दोस्तों, आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। और एक बहुत ही सुहाना दिन जहाँ पे हमारे सीरियल के हीरो हीरोइन यूं ही पहाड़ी से लटके हुए होते हैं, लेकिन तभी अचानक अपने प्यार को गिरता हुआ देख के हमारे सीरियल का लड़का भी उसके पीछे कूद जाता है। अब दोनों हीरो और हीरोइन बाहों में बाहें डाले पहाड़ी से गिर रहे हैं। अभी भी गिर रहे हैं, अभी भी गिर रहे हैं, अभी भी गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, लगता है बहुत देर तक गिरे, अबे गिरे ही जा रहे हैं। कह दो कि तुम मुझे 2 hours later 2 घंटा बाद ही गिरे जा रहे हैं। मम्मी मैं सो रहा हूँ, जब वो लोग गिर जाएंगे तो बता देना। भाई बड़ा जिद करने लग रहा है, तो अभी भी गिर ही रहा है। देखा मैं गया तो अभी तक गिर ही रहा है। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, गधा उड़, तोता उड़, मैना उड़, पता नहीं कब तक गिरते ही रहेंगे, बड़े गिरे हुए लोग हैं। हेलो प्यारे बच्चों, तो आओ बच्चों कैलकुलेट करें कि हमारे ये प्यार करने वाले दो पक्षी कितनी हाइट से नीचे गिरे हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे न्यूटन बाबा का ये वाला फॉर्मूला जो होता है s = ut + ½at² s यहाँ पे हमारा डिस्टेंस यानी कि हाइट हो गई, u जो है क्योंकि ये फ्री फॉल में गिरे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इन लोगों की है 0, और हाफ इंटू a एक्सेलरेशन हमारी हो जाएगी यहाँ पे 9.8 meters per second square, और टाइम इन्होंने लगाया है 96 seconds, तो 96 का स्क्वायर यहाँ पे करा। अब इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 45,158। चलिए इसको 45,000 ले लेते हैं, 45,000 meters। अब तुम माउंट एवरेस्ट की हाइट जानते हो बच्चों, 8849, 8,800 meter अप्रोक्सीमेटली माउंट एवरेस्ट की हाइट है, लेकिन हमारे ये प्यार करने वाले पक्षी 45,000 की हाइट से गिरे हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट की 5 गुना हाइट से। इस धरती पर माउंट एवरेस्ट से ऊंचा कुछ है, बट नहीं, हमारे ये प्यार करने वाले पक्षी माउंट एवरेस्ट की 5 गुना हाइट से नीचे गिरे हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अरे ये भी तो बड़ी गंदी। हमें जल्द से जल्द शंकर को ढूंढ कर यहाँ से निकलना होगा। हो गया यार, अटैक कर दिया। शंकर चलिए। अरे ये सब बनाने वाले कौन से जंगल में पैदा होते हैं यार। पहले इंसान ये सोचे कि शंकर भाई उसके बालों के अंदर पहुंचे कैसे कैसे भाई, बट ठीक है, मान लिया मैंने, हो गए कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, ऐसी सिचुएशन बन गई कि शंकर भाई उसके बालों में पहुंच गए, लेकिन इसके बालों में जुओं की फौज क्या कर रही है? फॉर रियल, इस औरत ने कभी अपने बाल धोने का सोचा है? कोई अच्छा शैम्पू यूज कर लो बहन जी, जुओं की फौज इकट्ठी कर रखी है। भाई तुम्हारे तो क्या लगा हुआ है? अरे YouTube शॉर्ट्स देख रहा था। ये क्या देख रहा है? जाके देख, हमारा चंद्रयान लैंड कर रहा है मून पे। है सही में? हाँ जी, और लाइव दिखा रहे हैं। अरे क्या बात है, अब भी लाइव स्ट्रीम चलाता हूँ, साथ में देखते हैं। ये आपको चांद तक लेके जाने में आपकी सहायता करेगा। अब देखिए भाई, अब चांद को ले अंदर हमारे बेटा अब लग रहा है कोई गलत चंद्रयान 3 की लैंडिंग देख रहे हैं हम। अरे भाई हमारे यहाँ तो बैलून पे बैठ के भी पहुंच जाते मून पे। ISRO वाले बेचारे बोल रहे होंगे, इतना पैसा लगाया, सब कुछ करा, इतनी मेहनत करी, चांद पे पहुंच गई स्कूटर पे। भाई
मारो मुझे मारो। इस कमाल के शो का नाम है नागमणि। अगर तुम्हें लगता है ना कि एकता कपूर के सीरियल्स आर बैड, देन दिस शो इज देयर डैड। जिस सीरियल में दो लोगों को पतंग पे लटका के उड़ा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। इस महान शो के सम्मान में दो लाइनें भी लिखी है मैंने। तुझे अर्ज किया है, आपको क्रिंज दिखा दिखा के सीरियल वाले हो रहे हैं धनी। आपको क्रिंज दिखा दिखा के सीरियल वाले हो रहे हैं धनी। जो लॉजिक और समझ के परे है वही है टट्टी शो नागमणि। दिमाग नहीं प्रोसेस कर पा रहा मैंने क्या बवासीर देख लिया। टेलीफोन जो है उसके गले में घुमा, ऊपर पंखे में लटका और उसको फांसी लटका दिया। भाई बहुत खतरनाक सिचुएशन है, बेचारे के घर के अप्लायंस से उसकी जान लेने पे तुले हुए। बताओ टेलीफोन मारना चाहता है बेचारे Somebody please explain के टेलीफोन वायर को टेलीफोन कनेक्शन वाले पॉइंट से अंदर की तरफ कौन खींच रहा है। ये हेलो excuse me brother, how is this happening, how is this possible, excuse me। जब ये सीन रिकॉर्ड हो रहा था ना, लॉजिक और कॉमन सेंस वो कोने में बैठ के रो रहे थे भाई, टस हुए बाहर रहे थे। मारो हमका मार दो। अब इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फूलो से ना हीरो से ना देवर से, फूलो से ना पति से ना देवर से। सुबह सुबह स्नैपचैट पे स्ट्रीके बनाने वाले लड़के। भाग 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 भाई, टेलीफोन जा रहा है तेरे पास। तेरे भाई अब तो गया। ला 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 वे वे बले बले बुर्रा। अब तो हो जा, अब जा। तू मुझे भूल गया और मोबाइल यूज करने लग गया। अरे टेलीफोन भाई, ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे? इसलिए मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरे से बदला लूंगी। क्या कर रहे हो टेलीफोन भाई? अरे तुमको मेरे घर के टेलीफोन हो, ये क्या कर रहे हो? भाई कर रखे हो, अरे टेलीफोन भाई ये क्या कर रहे हो? टेलीफोन भाई, टेलीफोन भाई। बेटा क्या हो गया? अरे मर गया भाई, पॉटी करते करते टेलीफोन ने जान ले ली। और क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? टेलीफोन बता भाई, जिंदगी में बहुत कुछ देखा, पहली बार देखा है पॉटी करते करते टेलीफोन ने किसी की जान ले ली हो। ये डायलॉग पापा से बोलवा रहा था, ये डायलॉग भी मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि उनको याद ही नहीं रहते डायलॉग। जिंदगी में बहुत कुछ देखा पर पहली बार देखा कि पॉटी करते करते टेलीफोन से बंदा मर गया। अरे वाह क्या बात है भाई, ने डायलॉग मार दिया भाई, क्या बात है। अरे टेलीफोन तो निकलवा दो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। आई मीन दिस गर्ल इज फास्टर देन फ्लैश। फ्लैश वो कौन है? मेरे गली के कुत्ते का नाम फ्लैश है यार। ये दिस गर्ल इज सो फास्ट, शी इवन वेंट फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लड़की ने देखा कि अरे बाप रे कीचड़ उछला, और इतनी देर में अंकल जी ने देखा अरे बाप रे कीचड़ उछला, और अंकल जी ने कीचड़ उछलते हुए को देखकर रिएक्ट करा कि ओ माय गॉड मेरे ऊपर कीचड़ आ रहा है, और इस लड़की ने देखा कि ओ माय गॉड अंकल जी के ऊपर कीचड़ आ रहा है। तो इतनी देर में जो ऑटो था वो भी चल के चला गया, और इस लड़की ने देखा कि ओ माय गॉड अब मुझे उस निकलते हुए ऑटो के जो अंकल जी पीछे खड़े हुए हैं उनको बचाना है जिनके ऊपर कीचड़ उछल के आ रहा है। तो भाई ये पूरी क्रिया चल रही थी, उसने डिसाइड करा कीचड़ ने कि मैं तो उल्लू हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो उल्लू का पट्टा हूं जो इस दुनिया में आया, और ये लड़की ये तो लाइट से भी स्पीड से तेज है, इसके लिए मुझे रुक जाना चाहिए। तो वो वहां पे स्टैचू हो गया, और इतनी देर में लड़की तेज से बात करा जुन 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 करके, और अंकल जी के सामने आ गई ताकि वो कीचड़ उछला हुआ इनके ऊपर आने वाला था, और स्टैचू हो गया था ताकि लड़की आ जाए उनके बीच में। वो फाइनली जो लड़की के ऊपर गिर जाता है, अंकल जी देख के प्रसन्न हो जाते हैं, हर्ष लाइट हो जाते हैं, ओ माय गॉड वो कीचड़ तो इस लड़की ने मेरे ऊपर ना आने की जगह अपने ऊपर ले लिया है। क्या बोल रहा हूँ यार, तुम्हें पता ये सीरियल्स बनाने वालों को पैसे नहीं देते, उनको माल देते हैं, माल उनसे पूछते हैं हाँ भाई आज कौन सा माल चाहिए, क्योंकि पैसे तो तुम्हें दे नहीं सकते। ये बकवास लिखने के लिए तुम्हें पैसे कौन देगा सालो? तो बताओ चरस का गांजा कुछ भी। कुछ हो ये यार, ये भी कुछ होता है यार, ऐसे भी
ऐसे में रिएक्शन कैसे कैसे बना देते हैं? रियल है गाइस, एकदम रियल है। आई कैन कंफर्म आई वाज द सिंदूर बाय द वे। कुटी बिटिया ये क्या कह रहा है? जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है, मेरा उन सबसे अनुरोध है कि कृपया कर अपने सिंदूर को अपने लॉकर में सेफली रखा करो, क्योंकि पता नहीं कब तुम्हारा पति तुम्हारी नौकरानी की मांग भरते। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है ना यार, लॉजिक तो है नहीं कोई। पता नहीं भाई जमीन पे इतना तेल कहां से आया, क्या भजिया तल रहा था क्या जमीन पे, जो ऐसे फिसलते हुए भाई साहब उड़ते हुए घूमते हुए आया और आगे सिंदूर भी भर दिया। वाह कंटिन्यूटी कोई कैसे फेंका है, चांद को देखा कैच कर लिए। कुछ भी, बड़ा ही पारिवारिक माहौल है। कभी एक्सीडेंट से शादी हो रही है, कभी एक्सीडेंट से करवा चौथ हो रहा है, कभी एक्सीडेंट से बच्चे हो रहा है। नोटी हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अभी मैं लेजेंड कन्विंस हो चुका हूँ कि इंडियन सीरियल्स को लिखने वाले कोई अलग ही गैलेक्सी के नशे करते हैं। नो वंडर इंडियन टीवी सीरियल्स क्यों नहीं देखता कोई आजकल। यार ये महिला एक स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म कर गई, एक्चुअली स्पाइडर भी नहीं है ये तो केकड़ा है यार। केकड़ा बन के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक गई है, बस दैट्स इट। तो इसलिए ट्रांसफॉर्म हुई थी, तो पैदल ही चली जाती इससे बढ़िया। और वेब शूट करके क्या दिखा रही है कि स्पाइडर मैन है तू। अरे मर गया बेचारा स्पाइडर मैन, आत्महत्या कर ली बेचारे ने। और तुम लोग एक बात समझो, एक बंदे ने ये सीन रिकॉर्ड करा, एक्टर्स ने उसमें एक्ट किया, उसके बाद एडिटर ने सीन को एडिट करा, जिसने आगे अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दिखाया, और इन सब ने मिलके ये शो को पब्लिश कर दिया। क्योंकि इन सब बेवकूफों को लगा कि वाओ हमने तो कुछ बहुत ही ब्रिलियंट सा बना दिया है, दिस इज टू गुड भाई, इंटरस्टेलर फेल कर देगा ये तो। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं ये वीडियो बनाने के लिए मैंने जितने ऐसे फाहियात सीन्स देखे, मैं अपना दिमागी संतुलन खो चुका हूं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूं। और इससे पहले कि मैं कंप्लीटली पागल हो जाऊं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आई विल सी In the next one, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट सही है, अपना तो काम चल रहा है, जब तक ऐसे सीरियल बनते रहेंगे कंटेंट की कमी नहीं होने देंगे। वाह नहीं होने देंगे भाई। आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी टिगर भाई